أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية. ولعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانا للمتقين لحسن مآب، جنات عدن ومفتحة لهم الابواب، صلوا على محمد وال محمد وعجل فرجهم اجمعين. अल्हमदिल्ला परवरदिगार आलम ने हमें इस सिलसिला ये आशारा जो एक इबादत का हसीन सा सिलसिला था उसकी आखिरी मजलिस है और इस आखिरी मजलिस में आखिरी नुक़त जन्नत के लगता ऐसा है कि आठवा दर्ज़ा है आठवा बाब है दरवाज़ा है गेट नंबर एट पर इतना हसीन सा कंक्लूजन आपको नतीजा इतना ख़ूबसूरत सा मिलता है कि आपका दिल खुशहाल मसरूर हो जाता है जिसमें यूं बताया गया कि मन आरादूल फ़िहा अबाब जो इन तमाम दरवाज़ों की तरफ जाना चाहता है फलिय तमस्क अरब अखसाल वो चार सिफ़ात से अपने आप को मतमस्क कर ले मुनवर कर ले दोफ़ हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर वन अदा नंबर टू हमारा क्या था सदक़ा के बाद क्या था आप लोगों को मुझसे बेहतर याद होगा हम डिस्कस कर चुके हैं और जिसको हमने पहले बयान किया कि सदक़ा के साथ साथ हमें जो हसीन सा काम अंजाम देना है वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। और उस सखावत सखावत के बाद जो आज दो सिफात का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी बहुत हम कहते हैं की क्वालिटीज़ हैं लीदी सफ़ात हैं असन अखल्ख़ वफ़ अवा इबादिल्ला पहला अख्लाक को हसना बनाना है दूसरा ईबाद अल्लाह के बंदों को किसी भी आलम में हरगस् नाराज़ नहीं होने देना उन्हें खुश रखना है उनकी खुशी उनको अजियत से दूर रखना मैं कभी यही सोच रही थी बैठ कर कितनी अजीब बात है जब बात जन्नत के दरवाज़ों की हो रही है तो शायद हमें ऐसा लगता था कि गुफ्तु नमाजो रोज़ा हज ज़कातो जक़ात बहुत सी दूसरी चीज़ों की होनी चाहिए लेकिन आप और मैं हम सब ने इस नतीजे को अख्स कर लिया कि द मोस्ट स्ट्रेस जिस पर पूरा फोकस है परवरदिगार आलम का हमें बेहती बनाने के लिए वो ज़्यादातर दूसरों से रिलेटेड है वो अखलाक ज़्यादा जाद है कि आपने अपने आप को इतना मेहरबान इतना हसीन बनाना है जब अखलाक की हकूक़ नास की बात आती है तो हमें ज़्यादातर माल, माल माल बात माल व दौलत की आती है लेकिन यहाँ पता चला कि पूरी तवज्जो हमारे दिल दिमाग ज़बान और हमारी आदतों की है और सबसे ज़्यादा अहम जो है वो हमारी आदत वो हमारी लिसान कहते हैं आज़ाए बदन में सबसे ज़्यादा जिस उज्व को जिस पार्ट को जिस लिम को परवरदिगार आलम सबसे ज़्यादा एज़ाब नाजिल कर सकता है और जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जन्नत से दूर जहन्नम की तरफ जा सकते वो लसान है वो ये छोटा सा टुकड़ा कभी कभी आईने में बैठ के इससे बातें करें कि तुम बड़े मज़े से चल रहे हो यो चलता है चला रहे हैं हम इसको बड़े मज़े से हरकत दे रहे हैं लेकिन कितने लोग इसकी वजह से जन्नत से दूर हो जाएंगे अजीब रिवायत है देखें कौन है कहने वाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कि गुमराह लोगों को भी जो आपको मार रहे होते थे उनको भी आप दुआ देते थे हमारे नबी का लब लहजा बहुत ही फ्लाइट सोच बहुत प्यारी यकीनन हमेशा मोहब्बत से बोलने वाले नबी इतने सख्त लहजे में क्या हैं लबो लहजा इतना सख्त है कि मैं खुद हैरान हो गई कि फरमाते या अली कुल्लेंबिन तोबा या अली हर गुनाह का एक तोबा है सिवाय बदखलाकी का अजीब कौन है ये कहने वाला क्या वजह है कि जन्नत के आठ के आठ सारे के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं उसके लिए जिसके पास अखलाक नहीं और जन्नत के सारे दरवाज़े खुल के बेफरमाइ बेफरमाइ तशरीफ़ लाइए मरहबा मरहबा खुश आमदी कम कम हुए आर लॉन्गिंग फॉर यू कहते हैं उसके लिए जिसके पास वाजिबात के साथ साथ यकीनन जो है वो अखलाक़ हसना मौजूद हो क्यों क्योंकि देखे ना मुझे याद है मैं मैं बिल्कुल नौजवानी में आई यूस्ट टू थिंक अलॉ देट यू नो वन एवर आई यूज टू गेट सो मच फैडअप बाई लह लाइब एन मीनिंगलेस डिस्कशन ऑफ पीपल जब वो टाइम वेस्ट कर रहे होते इंक्लूडिंग माय सेल्फ डेफिनेटली तो जब मैं ये आयतें पढ़ती थी कि ला यास्ू इल्ला लतीम सलामन सलामा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हम तंग आ चुके हैं इतनी गंदी लगती है वो मह वो गैदरिंग्स जहाँ पर यूजलेस बातें होती है जहाँ पर थर्ड पर्सन के बारे में गॉसिपिंग हो रही होती है ओ थैंक्स गॉड कि जन्नत में لا يسمعون कान को भी इतना सुकून मिलेगा गंदी बातें होंगी नहीं वहाँ गंदी जबान वाला जा ही नहीं सकता वहाँ जो सलाम यानी फीस यानी बहुत मीठी बातें करता है सलमान फारसी की तरह तस्लीम सलमान को सलमान मेरे नबी ने लकब इसी लिए दिया कि वो बहुत पीसफुली बोलते थे पीसफुली लोगों के साथ ट्रीट करते थे तो बदखलाक की जगह जन्नत में है ही नहीं इसलिए कहा कि उस उसके अमाल जो है वो कबूल नहीं होते बदखलाक सू उन फ़ाउमा कसरतलहसनात मैं हैरान होती हूँ इस बात को यदि इन अदीस को सुनकर क्योंकि हम इतना कम बोलते हैं इन अदीस के बारे में कम डिटेल से स्ट्रेस करके हम गुफ्तू करते हैं इसलिए हमें कभी कभी ये चीज़ें हजम करना मुश्किल हो जाती है कि अदीस की रोशनी में मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज देने जा रही हूँ हदीस ने मुझे सिखाया है कि आप आप का अखलाक अगर अच्छा है आपके पास अखलाक बेहतरीन हो तो आप जो है वो तोबा न भी करो तो आपके लिए निजात है निजात है बद तोबा तौबा भी कर ले तो उसकी तोबा कबूल नहीं है ज़रा मेरे साथ इन श्ला मजलिस के एंड तक ताकि बात समझ जाए ये ना हो कि आधी बात हम लें आधी छोड़ दें कि ये क्या कह रही है ये कहाँ से बोल रही है देखिए ये बाकायदा अदीस में मौजूद है कि जिसका अखलाक बुरा है उसका उसकी तोबा कबूल नहीं मगर ये कि वो शख़्स जो है वो अपनी बद को छोड़ दें यानी वाद रास्ता बदखलाक़ इंसान का तोबा करने का वो यही है कि वो बदखलाक़ी ना रहे फिर वो खुश हो जाएगा क्यों क्योंकि जो बदखलाक़ है यहाँ वो तोबा करता है और वहाँ पर दोबारा क्योंकि वो स्टिल बदखलाक़ है तो दोबारा किसी और गुनाह की तरफ चला जाता है हदीस में है इदा मिन साहबर दखला फ़ी बिन आख़र मैं बदखलाक हूँ यहाँ मैंने तौबा किया वहाँ जा कर अगर मैंने फिर बदखलाक़ी कर दी इफ़ आई एम स्टिल बदखलाक़ तो फिर मैंने तोबा के साथ मजाक किया है यू एम जस्ट प्लेइंग विद दिस एक्शन ऑफ तोबा क्योंकि मैं तोबा का मजाक कर रही हुई या यहाँ पर तोबा तोबा कह रही हूँ वहाँ पर जाके दोबारा से वही काम अंजाम दे रही हूँ इसलिए कहा जो जिसके पास खुश अख्लाक़ी हो वो बेहशती है वाजबात यकीनन अंजाम दे खुश अख्लाक का मतलब ही यही है जो बेनमाजी है वो खुश अख्लाक नहीं हो सकता वो शुक्र ही नहीं कर रहा परवर आलम की नेमतों का खुश अखलाक, अल्लाह के साथ भी खुश अखलाक हो अल्लाह के साथ भी उसका रिश्ता बहुत हसीन हो बहुत प्यारा हो तो जिसने रब के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखा और ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस किया वाजबात के ज़रिए वाजबात अंजाम दे दे सिर्फ और सिर्फ़ बेशक मुस्तबात अंजाम न भी दे

किसका सवाब देगा रोज़ेदार का भी दे देगा उसको नमाज शब पढ़ने वालों का भी सवाब दे, दे देगा उसको जो है वो जहाद मुजाहिद जो सुबह शाम जहाद कर रहा है मुजाहिद जो यगदू व यरूह है जो सबसे फ्रंट लाइन पर होता है उसका सवाब है क्योंकि वो तो जहाद असगर कर रहा है इसको उससे ज़्यादा सवाब मिल रहा है क्योंकि जहाद अकबर कर रहा है जो तीर और नेजा और तलवार है उससे ज़्यादा मुश्किल है कि आप घर वालों के जो बहुत से ट्टिंग और बहुत से इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको आप सुनते रहें वो तीर आ रहे हैं कोई आपको आपकी इंसल्ट कर रहा है और आप उसको जहाद अकबर के ज़रिए रोक रहे हैं अपने अखलाक के शील के ज़रिए रोक रहे हैं तो जहाद अकबर का शहीद शहीद अकबर होगा बक् सैदा अब अब हसैन सलवा भेज दीजिए मोहम्मद वाल महमद वाजिल फराज अजमाइन लिहाजा बेशक एक इंसान सिर्फ ज़्यादा फोकस वाजवाद पर कर रहा है लेकिन सब हकूक का ख्याल रख रहा है अल्लाह के हकूक़ की पासदारी के बाद जो है वो बेशक ज़्यादा नुहे नहीं पड़ता ज़्यादा मुस्तब नमाजें नहीं पढ़ता ज़्यादा जो है वो तस्वीर और दुआ नहीं करता लेकिन वो खुश अख्लाक बेशक सोता रहे खुर खुर करता रहे और क्या कहते हैं स्नोरिंग करता रहे उसका स्नोरिंग करना बेहतर है किससे उससे मैं आपको एक वाकया बताती हूँ ये तमाम बातें मैं अदीस की रोशनी में कह रही हूँ चैलेंज करते हुए कह रही हूँ कि मैं खुद बहुत हैरान हुई मेरा दिल जला उस औरत के लिए जिस औरत के बारे में नबी अक्रम सली वसलम को ख़बर दी गई कि एक औरत है वो बहुत नमाजी है जब देखो दुआ पढ़ रही है ज्यारत आशुरा पढ़ रही है जब देखो मसला तस्वीर है उसके हाथ में है सारे मुस्बात अंजाम देती है उसको फ़ौर पता चल जाता है आज आज ये इबादत है आज वो है आज ये अमल है वो अमल है लेकिन हम भी उसको पसंद नहीं करते घर वाले भी पसंद नहीं करते बहुत बदखलाक है कड़वी सी है यू नो शी इज़ सो बिटर तो वो रहमत आलमीन जो हर इंसान की सुई के बराबर एक 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 ड्रॉ भी अगर अच्छाई हो तो हमारे नबी उसको बड़ा बना देते हैं हम कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना कि एक एक दाना भी अगर हो तो आप उसको बहुत बड़ा बनाओ हमारे नबी की ये सीरत है एक मरतबा एक शख्स जो इतना बुरा है दुश्मन है आप उसकी भी एक अच्छाई बयान कर करके उसको अपने पास लाते हैं ऐसे नबी जो सुई के बराबर अच्छाई को पहाड़ बनाते एक माउंटेन बना देते हैं निडिल के बराबर एक अच्छाई को ऐसे नबी ने फरमाया ला रफी इस औरत की कोई ये मुस्तहब इबादतें जो है वो उसमें कबूल ही नहीं है खैर ही नहीं है इन्हा النار स्ट्रेट अवे हमारे नबी ने कह दिया शी इज यू नो डायरेक्टली विदाउट एनी ऑब्स्टिकल शी इज इन इन फायर एंड हु जो भी ये वाली सिफात रखता हो तो सब बहुत हैरान हुए ये कैसे हो सकता है कहा इसलिए कि वो अभी भी जहन्नम में पता है आपको जो गज़ब करने वाला बदखलाक़ इंसान होता है मनसा अ खुल नफ्सो सबसे पहले वो अपने आप को अज़ देता है वो खुद आग में है क्योंकि आग गुस्सा बदखलाक़ी जो है वो जहन्नम की एक आग है या शैतान ने उसको फू किया होता है शैतान की नफस और हवा उसके अंदर आ आ चुकी होती है तो बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं ज़्यादा इबादतें मस्तब करते हैं उसके जरिए और ज़्यादा बदखलाक की तरफ चले जाते क्योंकि अपने आप को कुछ समझते हैं कि यू नो लुक एट मी आई आई एम एम ऑलवेज फर्स्ट आई एम देयर यू डोंट नो टुडे इज अ डे ऑफ फॉर एग्जांपल ऑफ दिस दुआ दुआ एंड दैट और बहुत दूसरों को कमतर समझ के और अपनी अच्छाइयाँ और गजब और गुस्सा करने शुरू कर देते और ज़्यादा बदखलाक हो जाते तो मेरे नबी ने फरमाया ला खै रफ़ी इन्ना फिनार वो नबी रहमत जो हमेशा हमेशा प्यार और मोहब्बत से बुलाते रहे वो नबी यहाँ आकर इतने हसास हो जाते इसकी वजह क्या इसकी वजह यही है कि ये खुश अखलाक़ी इंसान को नेकियों की तरफ़ लेकर जाती है खुश अखलाक़ी के मैं आपको कुछ फ़ज़ाइल बताती चली जाऊँ कि क्या फ़ज़ाइल है बल्कि मैं अपने अल्फाज में कहती हूँ कि तमाम जो वर्चूज़ हैं तमाम जो मेरट्स हैं तमाम जो सवाब और फ़ज़ाइल है उसका परदादा दादा है ये यू नो लाइक उससे सारी ख़ूबियाँ जड़ पकड़ती है हदीस ने कहा हुस्नुल अखल्क अर्रकुल्ल ख़ती तमाम जन्नत के दरवाज़े अगर आप वाजिबात को अंजाम दे दे तो हसन खुल्क के ज़रिए खुल जाते हैं अगर आपके घर वाले आपसे खुश अगर आपके शौहर और आपके स्पाउस आपसे खुश आपके बच्चे आपसे बहुत खुश हैं आप है, आपके शागिर्द आपसे बहुत खुश हैं आपके कुलीग्स आपसे बहुत खुश हैं आपके वालदे आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप में इतना सब्र है इतना तहमुल है और इतनी नरमी से आप हर बात करते हो तो फिर क्या बात हो जाएगी आपने फजाइल के उस जड़ को पकड़ लिया जन्नत के सारे दरवाज़ों की चाबी आपके हाथ में आ गई है तो पहला मैंने आपको बता दिया कि खुश अखलाक को रोजेदार का सवाब मिलता है उसको ज्यादा मुस्तहबात करने की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्तबाद की तरफ ना जाए कोई गलत मतलब ना ले ले और नंबर टू बताया कि मां शे इन असकल असल फिलमीजान बिन हसन खोलखन कहते एक ऐसा बैंक है कि जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया पैसा डाला तो यू you नो know, बहुत तेजी से बढ़ता है ओनली वन बैंक के जैसे एक जमाने में दुबई था कि आपके जो जर्म है वो रात को आप सो भी रहे होते थे और वो मल्टीपल हो रहे होते बहुत 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 इतना 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 बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा होता था तो कहते हैं इस तरह खुश अखलाकी आपके मीज़ान में आपके नाम है आमोल को इतना भारी इतना भारी इतना भारी कि हम खुद हैरान हो जाएंगे उसको देख कर पूछेंगे परवरदिकारा ये क्या है मैंने तो इतनी अच्छायाँ नहीं कि बताया जाएगा कि खुश अख्लाक़ी की वजह से नंबर टू नंबर थ्री इसकी फ़ज़ीलत के बारे में बताया कि हिसाब किस किताब जो है वो बहुत आसान हो जाता है ये सारी हदीस है हसन खुल़ युफल्ल हिसाबक अल्लाह बहुत ही इजीली आपका हिसाब किताब करेगा क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत इजी डील करते थे नंबर फोर महबूब अकरब

हम कहते हैं क्या कहते हैं हम्बलनेस में बहुत ज़्यादा जो मेहनत करता हो और अखलाक में जो बेहतरीन हो उसकी क्या बात है और नंबर फ़ाइव बताया गया कि ये ख़ुद हसन खुल्क जो है ये कफ़ारा ज़बरदस्त कस्म का है गुनाहों का इसलिए कहा ना जो जिसका अखलाक अच्छा हो उसको तौबा करने की ज़रूरत ही नहीं है ये ये ताकद के लिए मैं कह रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि अस्त कहना हम छोड़ दें लेकिन अगर वो वाजिबात अंजाम देने के बाद ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूं बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ मुझे पता है इसकी कितनी बड़ी कीमत है मुझे पता है बहुत से शायद जहन इस बातों को ना समझ सके लेकिन ये सब के सब बड़े बड़े हैं रिवायात वसाल शेल काफी खसाल शेख तोहफतुल आप जो भी देख लें तमाम अहादीस भरी पड़ी है कि किसन खुलक यमीतुल खतिया खताओं को इस तरह से मौत दे देता है मार देता है हुस्ने कुलक कमा तमीतु शम्स अल जलीद जिस तरह से सूरज की तपिश हजारों टन इतने 1000 मिलियन किलोग्राम जो आइस है जो स्नो है उसको कैसे मेल्ट कर देता है सूरज सनशाइन उससे ज़्यादा जो है खोल जो है हमारे गुनाहों को धो डालता है इसको मामूली ना समझे घर में अगर शोहर ने कुछ कह दिया तो ख़ुशी खुशी उसे कबूल कर लिया आजकल इतने डिवोर्स क्यों हो रहे हैं क्यों हमारी बहुत सी बहुएं जो है वो बदलाव भी हो रही हैं पहले तो बेचारी सिर्फ सास बदखलाक होती थी अब तो बहुओं के बदखलाक होने का भी जमाना आ गया बच्चे बदखलाक होने लग गए पेरेंट्स डरने लग गए हाय 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 तीन है अब मैं क्या करूं ये बदखलाके कैसे तबाह कर रही है हमारे बच्चों को ये जो, जो आप में से जो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आई नो कि ज्यादातर हमारे कनेडियन मेरी बहुत क्रीम प्रीम ऐसी यंग मदर्स, यंग ईमान में यंग और टैलेंट्स में यंगस्टर्स मुझे ज़्यादातर सुन रहे हैं आपके पास इतना टैलेंट है वट एवर आई एम टेलिंग टू यू आप उसको ईजी अपने यूथ की लैंग्वेज में बताएं कि बदखलाकी हमें कितनी तबाही की तरफ लेकर जाए सबसे पहले हम ख़ुद अपने आप को हार्म कर रहे हैं और फिर दूसरों को हार्म करते हैं जो खुश अखलाक है उसके रिज्क में तेजी आ जाती है मौला एक कायनात ने फरमाया किसन अदेस्क अर्जाक को बहुत तेज़ कर देता है और जो छठा फ़ायदा बताया है जो तमाम फजीलतों का परदादा है या ग्रैंड ग्रैंड फादर है जो जिससे सारे बच्चे पैदा होते हैं खुश अखलाक़ी के जरिए आपके पास इतनी सारी खूबियाँ आ जाती है वो है दिलों में आप लोगों की जगह बना सकते हैं खुश अखलाक़ी के ज़रिए महबूब हो जाना ये भी मेरे नबी ने फ़रमाया अजन्नास मनकानत अखलाकू रज़िया सबसे ज़्यादा लोगों लोग उससे राज़ी होते हैं जिसका अखलाक रज़िया हो यानी जिसके अख्लाक में वो रिज़ाइत इलाही खुश खुश रहने वाला अख्लाक हो जो ख़ुद अपने आप से खुश होगा अपनी तकदीर से खुश होगा वो लोगों को के दिलों को भी खुशियों से भर देगा लोग उससे खुश रहेंगे खुशी ही खुशी ही खुशी ही उसके लिए है जो इन को बेहतरीन अंदाज से रखता है अब मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यह हदीसें तो फिर भी हम सुनते रहते हैं खुश अख्लाक रहना चाहिए लेकिन ये तो बताए कैसे कैसे उस गुस्से को कंट्रोल करे कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कैसे ये उम्मुल फवाइल तमाम फजीलतों की जड़ को रसुकुल खैर के इस ताज को अपने सर पे पहना दे ताज खुश अखलाकी इस क्राउन को अपने हेड पर कैसे हम एडोन करें तो इसका जवाब मैं सदक़े जाऊँ मैं क़ुरबान जाऊँ इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फिदा सलवात भेज दीजिए आपकी एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसमें आपने बहुत ही प्यारे अंदाज से इस हसीन नेमत की तरफ हम सबको दावत दी है फरमाते हैं दुनिया अरब इन कला चार चीजों की तलाश में ना रहो तुम्हें नहीं मिलेगा जितना भी तुम ढूंढोगे तुम्हें मिलेगा ही नहीं ये जो एक गलत सोच है इससे अपने आप को दूर कर दो वो क्या है वो चार चीजें नंबर वन रफीकन बिलाआब एक ऐसा दोस्त जिसमें कोई ऐब ना हो बिल्कुल भी बिलाआब कोई हो ऐसा आपको दोस्त मिलेगा नहीं फतब का बिला सदीक आप जो है बगैर सदीक के रह जाओगे आपको कोई दोस्ती नहीं मिलेगा बस ऐसे दोस्त की तलाश में ना रहो जिसमें कोई ऐब ना हो बल्कि जो सत्तर फ़ीसद सेवेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट अच्छा है उसको आप समझो ही इज़ द बेस्ट वन हदीस में है जिसकी बुराइयों पर अच्छाइयां गलिब आ जाए वो कामिलीन में से है ये मौला अमीरमिन से मनखूल है ये हदीस जिसकी मना गलबा या गालिब आ जाए जिसके हसनात उसके सयाहत के ऊपर यानी मेरे अंदर कि इतनी बुराइयां हैं जिसको गिना जा सकता है तो ये कम है यानी तो और अच्छाइयां तो तकरीबन गिनना थोड़ा मुश्किल है तो ये ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है उसके लिए और दो हाथ चाहिए बुराइयों के लिए ये दस उंगलियां काफ़ी हैं अच्छाइयों के लिए दो तीन हाथ और मुझे किराए पे लेने पड़ेंगे तो ऐसा शख्स बेस्ट है बेस्ट इससे ज़्यादा अच्छा नहीं मिल सकता और फिर फरमाया आलिमन फरमायास्ता हो वो आलिम जो अपने से पूरा पूरा फ़ायदा उठाए और उसको अमल में लेकर आए ये भी इसकी तलाश में ना रहो नहीं मिलेगा इवन इवन आलिम से मुराद मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई साइंटिस्ट हो सकता है कोई डॉक्टर हो सकता है कोई जो आपको आजकल बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप बहुत ही हेल्दी खाने खाओ हो सकता है वो खुद हंड्रेड परसेंट अमल ना करता हो अगर आप इस तलाश में रहोगे कि जो खुद अमल करता है मैं सिर्फ उसकी बात सुनूँगी वो आलिम है उसका एहतराम करूँगी जिसने भी ख़ता कर ली उसको मेम्बर उतार के फेंक दो अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया फल, फ, फला तब तप, तब का बिला आपको ना कोई डॉक्टर मिलेगा ना कोई आलिम मिलेगा ना कोई जाकिर मिलेगा और तीसरा बताया अमल बिला रिया ऐसा अमल जो बगैर रिया के हो तब तबका बिला अमल कि आप कह रहे नहीं जब तक मेरी नीयत हो मैं करूंगी नहीं उसी पाकि नीयत की वजह से जो है आप कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकेंगे शायद मैंने सदका दिया अल्लाह पता नहीं हो सकता है किसी को दिखाने के लिए दे दिया हो मैंने पता नहीं पता नहीं ये ना हो जाए बस वसे में चले जाए और आप कोई अच्छा काम ही ना कर सकें हंड्रेड परसेंट खालस करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन उसी तलाश में आप उस अमल को हाथ से ना जाने दें और आखिरी आपको बताया गया तमाम बिला शुभा फ बिला तमाम अगर एक ऐसे तमाम की आप तलाश में रह रहे हैं जिसमें कोई शुभा न बाजे ना कहते हैं कि ओहो, ये पानी भी नजीस क्योंकि ये पानी भी बारिश का पानी सिर्फ पाक है जितने पानी नीचे आ रहे पता नहीं उसमें भी कितनी मिलावट होगी और आप उसमें भी डरते रहो तो फिर क्या होगा आपको हर चीज़ नज्स हर चीज़ गंदी लगेगी और आप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाओगे इसलिए बहुत ताकीद के साथ कहा गया है कि इजी लो आसान लो हर चीज़ को आसानी के साथ कबूल करोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियां आएंगी अगर आप बहुत सख्त लेते जाओगे तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती जाएगी सल मुहमद वली महम्मद मैं एक वाक़ सुनाना चाहूँगी आयतल बुरुजर्दी का है कहते एक मरतबा आयतल बुरुजर्दी जर्दी दर्स दे रहे थे और अभी दर्स देना शुरू किया ही था कि एक फ़ीर शख्स आया और आपके काम में आकर कहा कि मेरी मदद कीजिए तो आपने फ़रमाया कि मैं अभी यहाँ दर्स देना देने आया हूँ घर चले घर जा मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा अभी मेरे पास कुछ नहीं है आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें वो बूढ़ा सा शख़्स था वह बैठ गया और अभी दर्श ख़त्म होने वाला था कि दोबारा उसने आ, साथ वाले से कहा कि मुझे एक मसला पूछना है तो उसने कहा पूछ लो दर्स ख़त्म होने वाला है तुम इशारा करो और पूछ लो आयतुल्ला बब्र जर्दी से वो बहुत बुजुर्ग थे उनके कान सही सुन नहीं पाते थे तो आपने जो है वो कहा आप पूछ लो जब उस बूढ़े शख्स ने पूछना शुरू किया कि मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ तो आयतुल्बरू जर्दी को सुनाई नहीं दिया तो आपने थोड़े से सख्ती लहजे ले, में कहा ठीक है मुझे दर्श ख़त्म करने दो मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको घर जाकर पैसे दे दूँगा आप फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं तो जो शागिर था वो समझ गया कि उस्ताद क्योंकि सुनाई नहीं देता तो इसलिए आपने समझाया कि ये बात अपनी दोबारा से रिपीट कर रहा है तो जाकर ज़ोर से कान के पास जाकर कहा कि नहीं ये पैसे नहीं मांग रहा ये बल्कि एक शरी मसला पूछ रहा है जैसे ये सुनना था आयतल वो अपनी सीट से उठे खड़े हुए और उठकर उस बूढ़े गरीब शख्स के हाथों को चूमा और एहसास शर्मिंदी के, के साथ उससे माफी मांगी बहुत ही आप शर्मिंदा हुए इसे कहते हैं वो अख्लाक हसना जिसकी तलाश में जो है वो जन्नत बेचैन है कि कहाँ है वो, वो खुश अखलाको परवरदिगारा हमारे अखलाक़ को बेह बस जिनका अखलाक़ खुल्के अजीम है बेहतरीन से बेहतरीन बना दे जिसकी तलाश में हम सब तड़प रहे हैं और फिर एक और भी बहुत प्यारा वाक़ मिलता है कि आगा शेख मोहम्मद तक यजदी कहते एक मरतबा Uh, पहले ज़माने में आपको ईरान में पता है कि लोग आ, जो है वो बाथरूम्स जो है वो पब्लिक हमाम में जाते थे शावर लेने जाते थे तो वो भी पब्लिक हमाम में गए शावर लेने गए तो वहाँ देखा एक शख्स जो है वो आर्मी वाला एक एक, एक सोल्जर था वो अपनी दाढ़ी जो है वो शेव कर रहा था आपको पता है बियर्ड को टोटली अच्छी तरह शेव करना जो है वो हराम है तो मशहूर थे मोहम्मद तकी इस बात पर कि वो हमेशा हर जगह अमर में मारूफ नहीं है मुलकर करते थे बड़े प्यार से बड़े अदब से यकीन अखलाक की बातें और अखलाक ऐसा ना कि कुछ में ये मशहूर है कि जब भी वो किसी हसीन से चेहरे को देखते कि कोई मर्द बहुत खूबसूरत हैंडसम से मर्द जा रहा है तो उसको पकड़ के सलाम करके उसकी तारीफ़ करके कहते थे काश तो आलम बन जाए काश तो इस्लामिक इसकॉलर बन जाए तो इतना खूबसूरत है तुझे मेम्बर पे बैठना चाहिए तुझे नसीहतें करनी चाहिए तुझे लोग कितने प्यार देखेंगे, तेरी नसीहत को सुनेंगे और जिस तरह अफसोस के साथ आजकल जो हसीन होता है उसको मॉडलिंग पे लगा देते हैं उसको एक्टर बना देते हैं उसको एयर होस्ट बना देते हैं लेकिन ये इतने खुश अखलाक थे किसी बहुत शीख हैंडसम को देखते तो कहते आज होना इतना मेरा दिल चाह रहा है कि तू आलिम बन जाए तू तूबरे मुहमद हो आहम्मद हो जाए सलवाद भेज दीजिए मुझे जी वक्त का अंदाजा नहीं अच्छा अच्छा और फिर यूं बताया गया कि जब ये शेख मोहम्मद तकीन ने उसको बहुत अदब से कहा कि गुनाह मिलेगा हराम है आ, शेव करना तो उसने जवाब में एक थप्पड़ मार दिया बहुत बुरे तरीके से तो आप देखिए अखलाक अखलाक इससे कहते हैं बुरों के साथ अच्छों के साथ तो कोई कमाल नहीं है तो शेख मोहम्मद तकी ने कहा कि ठीक है मुझे दर्द हुआ मैं ये दर्द सह रहा हूँ लेकिन आ, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तेरी तेरे सूरत को तेरे चेहरे को जहन्नम की आग से दूर रखे तुझे वो दर्द ना मिले ये दर्द तो बहुत छोटा है वो दर्द बहुत ज़्यादा है ये कहकर आप बाहर आए और बाहर आकर आपने जब अपना लिबास वग़ैरह पहना लोगों ने बड़ा एहतराम किया तो उस सिपाही को पता चला कि ओह ओह ओ हो ये तो शेख मोहम्मद तकी बा यजदी है यानी ज़माने का जो किंग था उस किंग ने रज़ा ख़ान जो किंग था शाह था उस ओह वो डरता था बड़ी शुजात वाले लोगों में सहम इमाम तकसीम करने वाले लोग लोग माली लिहाज से भी इज़्ज़त के लिहाज ताक़त के लिहाज से वो इतने मशहूर और इतने पावरफुल इंसान थे कि ज़माने के किंग ने रजा रजा ख़ान ने कहा था कि मेरी माँ की नमाज़ जनाजा जो है वो यही पढ़ाएं और कोई ना पढ़ाए ये इतनी तमन्ना है इतना मशहूर शख्स है लेकिन जब वो उसने ये सुना तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और आकर कहा कि मुझे माफ़ करें मुझे तो पता नहीं था कि आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं लेकिन उसने कहा नहीं कोई बात नहीं मुझे तो कुछ भी बुरा नहीं लगा मेरा मेरी तमन्ना यही है कि तू हसीन सी दाढ़ी के साथ जन्नत में जाए खुश अखलाक़ी के साथ और उसने कहा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आयतल आज के बाद में हमेशा जो है वो कभी मर के भी अपनी दाढ़ी को जो है वो कम्प्लीटली शेव नहीं करूंगा जो कि हराम है तो ये वो हसीन सिफात है जिसके ज़रिए इन अपनी ज़िंदगी को मुनवर कर सकते हैं और जन्नत के दरवाज़े में इन शह हम आपसे मुलाकात करें और आप जो है वो आपकी मुलाकात के जरिए जो है इन मुझे भी जन्नत नसीब हो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक सिफत का ज़रूर जिक्र करूँगी जो जन्नत की पहली सिफत है कनात नात कैनात के बारे में हमारी सैद आफात मज़ाहरा सलाम आलहा की बहुत ही खूबसूरत दुआ है क्या फ़रमाती मक़न अन्य बिमा रजनी बार मुझे क़नाअत यानी कन्टेंटमेंट बार अला मुझे मुझे क़नाअत दे दे यानि मैं खुश रहूँ तो कुछ मेरे हिस्से में डाला है और कहते शैतान कहते मैं इतना बेबस हूँ मैं इतना बेबस हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता जब ये इंसान शाकिर होता है ग्रेटफुल होता है ग्रेटिट्यूड दिखाता है खुश होता है और कंटेंटमेंट में इतना राज़ी रहता है मैं कहती हूँ मैं कैसे इसको बेकाऊँ मैं कहाँ से कैसा बहाना लेकर आऊँ ये तो इतना खुश है अपने रब से मैं तो चाहता हूँ ये थोड़ी सी शिकायत करे और फिर मेरी सैदा फरमाते फर बलक सनी आई ट्रूली लव दिस दुआ मेरी रिक्वेस्ट हो गया आप ये ये दुआ अपने अपने खलूत में ज़रूर पढ़ें और मुझ हकीर को भी याद रखें कि जनाब सैदा जिनके पास सैद शबाब अहलन्ना जैसी औलादें जिनके पास जैनब कुबरा उम कुलसूम जैसी बेटियाँ हैं लेकिन परवरदिगार आलम से क्या मांग रही उन कामों के लिए फारग कर दे जालम से क्या मांग रही उन कामों के लिए फारग कर दे जिसके लिए तूने मुझे हल्क किया है मैं तो उन कामों में मसरूफ हूँ जो बिल्कुल ही गैर ज़रूरी है जो कि मेरा मकसद है तख्लीकत है ही नहीं पर्पज़ ऑफ लाइफ है ही नहीं बट आई एम जस्ट इंगेज विद दोज थिंग विच आर नॉट माई पर्पज ऑफ लाइफ अल्लाहुम्मा फ्ररे मुझे मुझे वक्त दे दे कि मैं कुरान पढ़ सकूँ मुझे वक्त दे दे कि मैं नमाज को समझ सकूँ मुझे वक्त दे दे कि मैं इन अहादीस को अपनी ज़िंदगी में ला सकूँ कितनी ये खूबसूरत अहादीस है और बायदा हदीस में है कि वजबत महब्ल आन वुमा कहते परवरदिगार आलम ने यह वाजब करार दिया है ये वाजिब यकीनी है वजबद महबती परवदिगार आलम ने कहा कि मेरी मोहब्बत वाजब है और जिस से अल्लाह मोहब्बत करे तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं ना क्या मेरी मोहब्बत वाजिब है उसके लिए जो कि जब गजब में आ जाए इसके बावजूद वो हर से काम ले जितना गुस्सा आ गया लेकिन फिर भी वो जो है वो अपने आप को उस गुस्से से कंट्रोल कर ले कितना खुश नसीब है वो शख्स जो कनाअ पहली सिफतमेंट आखिरी सिफत खुश अखलाक़ी और लोगों को किसी भी तरीक़े से ख़ास तौर पर अपनी ज़बान और अपनी सोच से अजीत ना देना आप देखिए जन्नत जैसा समा हो जाता है घर का जब हम जन्नती अबवाब जन्नत के सफ़ात से अपने आप को मुलस करते हैं और मजन करते हैं आपको पता है कि अगर इंसान इंसान को एक किताब से तश्वी दें या इफ़ इफ़ यू आर लाइक अ बक सो उस बुक का एक टाइटल होता है हमारे हमारी जो जिंदगी है उसका एक टाइटल होगा किताब की शक्ल में है और इस किताब का नाम क्या होगा कहते उस किताब का नाम हब अली एक हदीस होगी अल्लाह महमद और दूसरी हदीस में कहा है कि सही الحسن الخلق حسن خلقه يعني اخلاق حسنه अली अलीबन अबी طالب दोनों का कितना डीप कनेक्शन है मैं इस अनवान से यह हदीसे बता रही हूं कि अबवाब जन्ना बबुल के सदक़े से हमने जन्नत की सैर कर दी हर हर दरवाजे से जाकर हमने मुलाकात की है और कयामत के दिन ये एक एक मजलिस हमारे इतने काम आएगी इन हर हर मजलिस का हम वास्ता देंगे हम कहेंगे देखे हमने जो जो हम समझ सकते थे हमने समझने की कोशिश की उस पर अमल कर की कोशिश की, दरवाजा मुझे दे मैं और फिर जो है जिस तरह अबाब जन्नत है बाबम के सदके से अली वालों के लिए यही बताया कि जिस तरह इश्क अली के बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता इसी तरह खुश अख़लाक़ी के बगैर जो है वो जन्नत हमसे नाराज़ रहती है जन्नत उससे ख़ुश होती है जिसका अखलाक खुश हो बद ना हो बद अख्लाक ना हो खुश अख्लाक हो खुश अख्लाक के साथ जन्नत ख़ुशी ख़ुशी अपने दरवाज़ों को खोल के उसको वेलकम कहती है इसलिए हदीस ने कहा कादल हलीम अय्य कून लगता ऐसा है कि जो हलीम है जो बुरदबार है जो सब्र और तहम्बुल और ख़ुश अखलाक़ी के साथ रहता है वह तो बिल्कुल नबियों के सफ़ में है कादल

अपने असहाब को बल्कि दुश्मनों को भी दावत देते रहे बुलाते रहे आपको मालूम है ना? असहाब में से जिनको भी फन खिताबत में महारत हासिल थी जो भी ऑरिटी पावर अच्छी रखते थे मेरे आका मेरे मज़लूम इमाम जो है वो उनसे कहते थे कि जंग से पहले कुछ नसीहत कर लो शायद इनके दिल नरम हो जाए शायद ये लोग पलट आए शायद ही जन्नत किस दरवाजे तक पहुंच जाए मेरे इमाम आपको कहीं एक तरफ से दुश्मन बदखलाकी पे बदखलाकी कर रहा है लेकिन जंग के जमाने में भी जंग के माहौल में भी मेरे इमाम ने एक लमा एक जुमला ऐसा नहीं बोला जिससे ज़रा बराबर गज़ब और गुस्सा ज़ाती कोई नज़र आता हो हर गज़ब जो है वो अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए है आपको मालूम है जंग सिफीन के बाद भी जंग सिफीन के बाद भी जब अब अमीर अल अलमिन ने शाम वालों को गालियाँ दी तो मेरे आका मेरे मज़लूम इमामयाड़ी इमाम, इमाम हुसैन के पिदरे बुसरगवा ने फरमाया कभी भी सब्बाबीन में से ना बनो मुझे पसंद नहीं कि हती शाम वालों को तुम गाली दो गाली बहुत ही पस्तरीन लोगों का काम है दुश्मन को भी गाली देने की इजाज़त दी है ये बता दो कि उन्होंने ये जुल्म किया वो जुल्म किया हम, हम हम हमारी सोच उनकी सोच से बिल्कुल अलग है बरात इख्तियार करो लेकिन गाली ना दो अदब और एहतराम से पेश आओ लेकिन आजादा आए आज के मसायब को खुद दुश्मन के सबानी सुनते हैं, यजीद मलून शिमर से सवाल करता है कि तुमने इतने मजालिम करबला में किए क्या कभी ऐसा हुआ कि तेरा दिल हुसैन के लिए जला हो तुझे हुसैन पर ज़रा सा रहम आया हो तो शिमर मलून कहता है हाँ एक वक्त आया था जब मेरा दिल हुसैन के लिए नरम हुआ वो उस वक्त था कि जब हुसैन ने दाए जानब देखा बाए जानब देखा हाय मेरे गरीब मोला हाय मेरे बेकस मोला हाय मेरे मजलूम इमाम जब देखा कोई भी नहीं है अपनी बच्ची से विदा के लिए गए आपको मालूम है मेरे मजलूम इमाम ने कभी फरिश्तों से विदा किया कभी जन्नों से विदा किया कभी अपने जानवर जोजना से विदा किया माफ़ी मांगी बार बार कहा मुझे माफ करो ए मेरे असब बा तू प्यासा था मैं फिर भी तुझसे काम लेता रहा अखलाक सीखे इमाम हुसैन से कि जानवर के साथ किस अदब से बोल रहे हैं कई बार अपने असब बफा से माफी मांगी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे माफ करो तो प्यासा ही नहीं तो भूखा भी था मैं कहूँगी या हुसैन आपकी अपनी तश्नगी पर कौन गिरिया करे आपकी यतीमा की तश्नगी पर कौन जज्जा नाला करे शिमरे बलून कहता है कानतैन बिन तो हुसैन की एक बच्ची थी जो तीन साल की लगती थी जब हुसैन तको तनहा रह गए अपनी बच्ची से जब विदा कर दे गए तो बच्ची से क्या कहा बच्ची को अपने सीने से लगाया उसके बोसे लिए आपने गौर किया कि मलून है दुश्मन है वो भी इतना दुश्मन ये क्या हो गया खेमों से इतने करीब कैसे पहुंच गया खेमे के करीब है तभी ये मंजर भी देख रहा है आवाज भी सुन रहा है कि हुसैन ने क्या कहा जनाबे यतीम हुसैन जवाब में क्या कहा सुनने वाला देखने वाला दुश्मन मलऊन है कहता है हुसैन की बच्ची ने कहा देखे बाबा मेरे होंठ फट चुके हैं मुझे भी कतरा पानी का दे दे हुसैन बहुत शर्मिंदा हुए कहा इजलिस खैमा लाई आती कबिल माँ बैठ जाओ खैमे के नज़दीक शायद मैं पानी ला सकूँ शमर मलओन कहता है मैंने देखा हुसैन बहुत शर्मिंदा है अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकता इतने में मालिक बिन युसर ने एक हाथ में जो उसके है उससे हुसैन पर हमला किया बच्ची के सामने हुसैन जमीन पर गिर पड़े मैंने हुसैन को इतना तनहा इतना लाचार इतना गरीब इतना शर्मिंदा पहली बार देखा हाँ जारो यहाँ से तो कहानी का आगाज हो रहा है हुसैन की मजलूमियत की आइए में मरहूम कज़बीनी यूं लिखते हैं कि जब काफिला चला करबला से मंजिल बे मंजिल इमाम हुसैन की पूरी तवज्जो सकीना पर है मेरे आका जानते हैं कि सकीना मेरे सीने पर सोने वाली सबसे बड़ा इम्तिहान मेरी यतीमा पर जब देखा कहते हैं जब बच्चे रोते भी थे ना या हुसैन भी ना कहते तो दुश्मनों से ये आंसू भी बर्दाश्त ना होते फौरन से नेजों से हमला करना शुरू कर देते के बच्ची को सवारी से जमीन पर गिराया लेकिन क्या देखा इमाम हुसैन कसर मुबारक जिस नेजे पर सवार है वो चलता नहीं है सैयदाजदीन ने कहा देखो हुसैन का रुख कहाँ है देखा तो हुसैन इतने अली के उस नूरानी चेहरे का रुख असी रो की जानेब है गोया ये पैगाम देना चाह रहे हैं मेरी बच्ची को ऊट से गिरा कर मुझे कहा ले जाना चाहते हो लेकिन घोड़े पर बैठ कर गया एक आवाज सुनी रोने की कहते घोड़े से उतरा नहीं बल्कि सवार है हाथों के जरिए बच्ची के बालों को पकड़ा निहायत जालिमाना अंदाज बच्ची को घोड़े पर सवार किया दूसरे हाथ में ताजियाना है मारना शुरू किया हाय सगीना के वो रंगीन रखसार सलाम हो मेरी बीबी के उन मजाले पर हजादारो हाँ रो रो कर ये बच्ची जब शाम पहुंचती है तीस दिन गुजर महीना हो गया बाबा बाबा कह कहते हुए कहते हैं यजीद मल का यह हुक्म था कहा ए शाम के पिदर जितने भी बाप है वो अपने बेटियों का हाथ पकड़े और जिंदान के सामने से सकीना के सामने से गुजरे ताकि सकीना का दिन ज्यादा चले सकीना अपने बाप को ज्यादा याद करे वो बच्ची ये देखती थी हर बाप अपने बच्ची का हाथ थामे हुए जा रहे हैं रोना शुरू किया आई आई अभी ऐना अभी ख्वाब में देखा कि बाबा ने मेरे हाथ को छामा है और कह रहे हैं मेरी बच्ची अब मैं तुझसे जुदा नहीं होगा कल है मुश्ताक, ख्वाब से जागी और कहा मेरा हाथ तो मेरे बाबा के हाथ में था किसने मेरे बाबा को मुझसे जुदा किया सर पीट पीट कर या हुसैन या हुसैन कहते हैं एटी फोर तक बीविया बच्चे यतीम जिंदा शाम में मौजूद थे सपने रोना शुरू किया जब आवाज मल ऊन तक पहुंची जो कि शराब में मस्त था उसने कहा बच्ची को सर दे दो लेकिन सर कैसे दिया गया कहते वक्त सर को इमाम हुसैन के सर मुबारक को अदब से नहीं रखा गया बल्कि फेंका गया वो सर तीन साल बच्ची है आजादारो छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ है कैसे उन नन्हे नन्हे हाथों से उस सर को उठाए बच्ची डर रही है कहीं सर की बेअदबी न हो सबसे पहले सर देखते ही सीने पर हाथ रखा कहा सलाम आता सलाम किया अपने बाबा को फिर वह मुसीबत फराक उन तमाम मुसीबतों को जिक्र किया। बाबा लोग मुझे आपकी मां की तरह मजलूम समझते हैं लेकिन आपकी मां को दरों दीवार के दरमियान कभी मदीना की गलियों में मारा गया लेकिन मुझे बाबा करबला से कूफा मंजिल बेमंज़िल शाम से लेकर जिंदा तक जहां जा मैं आपका नाम लेती आपका कीना रखने वाले मुझे जरबत मारते है कभी से कभी तमाचों से कभी दारो जिनाब सकीना ने अपने लबों को अपने बाप के लबों पर रखा और कहने लगी बाबा मने लजी बेदमाए आपकी खूबसूरत सदाड़ी को किसने खून में रंगीन किया मने लजी कता आपकी गर्दन की रगों को किसने तोड़ा हाँ आइए आज यतीम हुसैन पर गिरिया करे अबुल एतम की बेटी है आज इमाम हुसैन की दुआले सैदी उस आलम में हाथों में हथकरिया कैसे मातम करेंगे अपनी बहन के लिए आए हम मातम करें अश्क बहा कर इमाम इस जमाना को अर्ज तस्लिये जिनाब सकीना ने अपने लबों को इमाम हुसैन के लबों पर रखा और फिर अपने लबों को मारने लगी इतना मारा कि खून जारी हुआ कहने लगी बाबा जनाखों ने आपके लबों के साथ गुस्ताखी को देखा कि वो छड़ी है जिससे यजीद बलून आपके लबों पर हमला कर रहा है आपके लबों से खून आया आपकी बच्ची के लब सालिम क्यों रहे बाप की तरह आपने आपको जख्मी किया यहाँ तक के रो रो कर अपने आप को सरे हुसैन दामन में ले लिया बच्ची खामोश हुई जैनबी कुबरा आपने देर कर दी जब हिलाया तो क्या देखा फारूह रूहानी दुनिया रूह सकीना ريح عبد الله سجابلي انا لله وانا اليه راجعون هو سكينة هو غربتا يا ام الرباب ابكي قد جرقيك كربلاء اريك الشام